तो गाइज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डोमिनोज एप्लीकेशन में भाषा कैसे चेंज कर सकते हैं। गाइज अगर आपको डोमिनोज एप्लीकेशन में लैंग्वेज चेंज करना नहीं आता है तो गाइज आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो गाइज आपको ना आपको सबसे पहले डोमिनोज एप्लीकेशन में लैंग्वेज को चेंज करने के लिए आपको डोमिनोज एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। इसको ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस आता है। और गाइज यहाँ पर आपको अगर ना आपको ऊपर की तरफ प्रोफाइल आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। जब आप प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस है जो आता है। और गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आप उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस चेंज लैंग्वेज पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर दो तरह की लैंग्वेज है जो आपको मिलती है, एक तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलती है और एक आपको हिंदी लैंग्वेज मिलती है। आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगे उस लैंग्वेज को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हो आप हमारे मोबाइल में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हमें सेलेक्ट की हुई है। तो गाइस आपको यहाँ पर सारे इंग्लिश में कुछ भी यहाँ पर वर्ड है जो लिखे हुए दिखाई देते हैं। जब आप हिंदी पर क्लिक करते हैं तो गाइस आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हिंदी पर क्लिक करके तो गाइस आपको सारे यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपको यहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आप देख सकते हो किस तरह से लैंग्वेज है जो चेंज करते हैं। तो भविष्य में आपको बता देता हूँ कि लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर भाषा बदले पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर दो लैंग्वेज है जो देखने को मिलती है। आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगी उस लैंग्वेज पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं तो आपकी लैंग्वेज है जो चेंज हो जाएगी। तो गाइस आप समझ गए होंगे किस तरह से डोमिनोज एप्लीकेशन में लैंग्वेज को चेंज करते हैं। तो गाइस अगर आपको हमारा वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।